हमें वो सिटी दिखाया जाता है जिसके नीचे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन बनाई गई, और यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया था और लोग अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे। लेकिन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कुछ लोग उस चेम्बर को खोल देते हैं, जिस चेम्बर में से सेकेंड पार्ट में दो सर्वाइवर एलिस और मैट बाहर आए, और ऐसा होते ही वायरस से इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज आहिस्ता आहिस्ता पूरे सिटी में फैलने। इसके बाद हमें अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाई जाती, जिसमें से अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कुछ सिक्योरिटी सोल्जर्स बाहर आते और वो लोग एक डॉक्टर को अपने साथ ले जाने आए थे, और यही वो डॉक्टर था जिसने वो टी वायरस बनाया था, और इसीलिए ये लोग उस डॉक्टर को लेने आए थे। जिस पर वो डॉक्टर कहता है कि मैं अपनी बेटी की आने का वेट कर रहा हूँ, और जब वो स्कूल से आ जाएगी तभी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। लेकिन वो सोल्जर्स डॉक्टर की एक नहीं सुनते और उसे अपने साथ ले जाते। फिर इसके बाद हमें उस डॉक्टर की बेटी दिखाई जाती है जो कि स्कूल में थी, और उसके पास एक क्रीपी सा बैग भी था। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद पूरे सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ॉम्बीज लोगों को काट कर इन्फेक्टेड कर, और वो वायरस तेजी से फैलता जा रहा था, और पूरे सिटी के लोगों में हलचल मच जाती। लोग इधर उधर भाग रहे थे खुद को सेव करने के। उस सिटी में एक पुलिस स्टेशन भी ज़ॉम्बीज से भर गया था, और ज़ॉम्बीज वहाँ के लोगों को इन्फेक्टेड करते जा रहे। और वहाँ पर एक बहादुर फीमेल सोल्जर जिसका नाम जिल होता है, वो उन ज़ॉम्बीज को सर पर शूट करके मार रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि इन ज़ॉम्बीज के सर पर मारने से ही वो मरेंगे। इसके बाद हमें पार्ट वन के लास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एलिस को देखते हैं जो कि एक स्ट्रेचर पर थी और उसे बांधा हुआ था। वो वहाँ से खुद को आजाद करती है और बाहर आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि पूरा सिटी अब डिस्ट्रॉय हो चुका और पूरे शहर की कंडीशन काफी ज्यादा खराब, और जितने भी सर्वाइवर बचे थे वो सब ज़ॉम्बीज बन गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता फैलते जा रहे। और यहाँ पर जितने भी लोग जिंदा बचे थे वो इस शहर को छोड़कर यहाँ से जाना चाहते, लेकिन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लोगों ने पूरे सिटी को चारों तरफ से सील कर दिया था ताकि कोई भी इन्फेक्टेड यहाँ से बाहर ना जाए। वहाँ पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का मिलिट्री मेजर जिसका नाम केन होता है, वो लोगों को चेक करवा के एक एक करके भेज रहा, लेकिन तभी मिलिट्री की आंखों के सामने जिल के एक फ्रेंड को एक ज़ॉम्बी काट लेता, और लोग पैनिक होकर इधर उधर भागने लगते। जिल उस ज़ॉम्बी को मार डालती। ये देखकर मेजर केन समझ जाता है कि वो वायरस पूरे सिटी में फैल चुका है और यहाँ तक भी आ गए, और इसीलिए वो एग्जिट डोर को बंद करके अब कोई भी बाहर नहीं जा पा। और लोगों को वार्न करते हुए केन कहता है कि कोई भी अब यहाँ से बाहर नहीं जाए, और सब लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि सब अपने घर में वापस चले जाएं क्योंकि अब यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। मिलिट्री के लोग शहर के लोगों को धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और वो यहाँ से नहीं गए तो वो सबको मार डाल। उसी सिटी में एक हेलीकॉप्टर भेजा जाता है जिसमें अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कुछ सोल्जर्स, उन सोल्जर्स में एक का नाम ऑलिवर था और बाकी उसके टीम मेंबर्स। इन सोल्जर्स को बिल्डिंग के ऊपर एक सर्वाइवर लड़की नजर आती है और उसे बचाने के लिए ये लोग नीचे उतरते हैं, और उनमें से ऑलिवर आगे बढ़ता है। ऑलिवर उस लड़की को ज़ॉम्बी से बचाने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि उस लड़की को ज़ॉम्बी ने काट ली और वो इन्फेक्टेड हो गई, और इसीलिए वो लड़की बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेती है कि कहीं वो भी एक ज़ॉम्बी ना बन जाए। ये देखकर ऑलिवर और उसके साथी वहाँ से चले जाते। टी वायरस डॉक्टर को मेजर केन के पास लाया जाता। मेजर केन डॉक्टर को कहता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि ये प्लेस आपके लिए सेफ नहीं और यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, जिस पर वो डॉक्टर जवाब देता है कि मैं अपनी बेटी को लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। केन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आपकी बेटी जिंदा बच पाई है, लेकिन अगर वो बच गई तो हमारे सोल्जर्स सेफली उसको यहाँ पर ले आए। टी वायरस डॉक्टर अपनी बेटी की लोकेशन जानने के लिए अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कंप्यूटर की यूजर आईडी को एक्सेस करता है, लेकिन वो आईडी काम नहीं करती क्योंकि वो आईडी अब ब्लॉक हो चुकी। तब वो डॉक्टर कोई दूसरे यूजर आईडी को एक्सेस करता है और उसे उसकी बेटी की लोकेशन पता चल जाती, और उसकी बेटी की लोकेशन उसका स्कूल ही आ रही, लेकिन स्कूल के रास्तों को चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेरा। इस पर वो डॉक्टर फौरन समझ जाता है कि उसकी बेटी का स्कूल से बाहर आना काफी मुश्किल। फिर हमें एलिस दिखाई जाती है जिसको कुछ विजन्स आ रहे थे, और तब हमें पता चलता है कि एलिस की बॉडी में बहुत ज्यादा मिकदार में वो टी वायरस इंजेक्ट किया, और हैरत की बात तो ये है कि अभी तक वो कोई ज़ॉम्बी भी नहीं बनी। लेकिन असल में एलिस के पास कोई ऐसी खूबी थी कि जिसकी वजह से वो इतनी पावरफुल थी और अभी तक ज़ॉम्बी भी नहीं बनी थी। जिल के साथ उसका एक फ्रेंड और एक लड़की रिपोर्टर दिखाई जाती है जिसके पास एक कैमरा था। वो तीनों सर्वाइवर खुद को सेव करने के लिए एक चर्च में जाते हैं,
जहाँ पर उन्हें एक और आदमी मिलता है जो कि नेचर वाइज काफी अजीब था। वो उन तीनों को गन पॉइंट करते हुए कहता है कि ये जगह मैंने फाइंड की, तो यहाँ पर सिर्फ मैं ही रहूंगा और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो तीनों उस आदमी को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जगह हमारे लिए बिल्कुल सेफ है और हम सेफली सब लोग यहाँ पर रह सकते। और इतनी ही देर में उस चर्च का फादर भी वहाँ पर आ जाता है और उसने वहाँ पर किसी को छुपाया हुआ। जेल पूरे चर्च को चेक करती है, तब उसे पता चलता है कि चारों तरफ फोन के सिवा और कुछ भी नहीं। और इतनी ही देर में वो फादर वहाँ पर आ जाता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता। तभी जेल देखती है कि एक जोम्बी लेडी को चेयर से बांधा गया और वो उस जोम्बी लेडी को मारने लगती। तब फादर जेल को कहता है कि ये मेरी सिस्टर है, तो तुम प्लीज इसको मत मारो। अपनी सिस्टर को सेव करते करते उस फादर की सिस्टर उसे ही काट लेती है, जिसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो जाता और तब जेल को उन दोनों को ही मारना पड़ता। दूसरी तरफ वो आदमी जो पहले से ही वहीं पर था, उन लोगों से अलग होकर खुद को सेव करने लगता। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर जिसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने बनाया था, जिसका नाम लीकर था, और लीकर उस आदमी को मार डालता। इसके बाद दो और लीकर वहाँ पर आ जाते हैं और तीनों लीकर्स मिलकर उन तीनों सर्वाइवर को घेर लेते। तीनों लीकर्स उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी बाइक पर बैठकर एलिस वहाँ पर आती है और उन लीकर्स पर शूट करके उन्हें आसानी से मार डाल। वो तीनों एलिस को देखकर काफी हैरान रह जाते, क्योंकि एलिस ने अपने स्किल्स दिखाकर उन तीनों को सेफ जो कर लिया था। सिटी में ओलिवर और उसकी टीम मेंबर ज़ॉम्बीज को मार रहे हो और उस फाइट के दौरान एक सोल्जर इन्फेक्टेड हो जाता। अब क्योंकि उन लोगों की गोलियां भी खत्म हो रही थी, तो वो लोग वहां से निकल जाते। दूसरी तरफ एलिस जी और बाकी दोनों सर्वाइवर्स एक कब्रिस्तान से गुजर रहे होते और कब्रों से मुर्दा लोग उठकर इन पर अटैक कर देते, लेकिन वो लोग बचकर वहां से बाहर आ जाते। वो लोग बचकर एक लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक फोन रिंग करने लगता और एलिस उस फोन को पिक करती और कॉल उस टी वायरस डॉक्टर की होती, जो एलिस को कहता है कि मैं तुम लोगों को वहां से सेफली बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन उसके लिए एक शर्त कि अगर तुम मेरी बेटी को सिटी के एक स्कूल से बचाकर सेफली ले आओगे। वो डॉक्टर उन लोगों पर काफी देर से नजर रखे हुआ था, इसलिए वो जानता था कि वो लोग ऐसा कर सकते। एलिस और बाकी सर्वाइवर उस डॉक्टर की बात को सुनकर उसके मिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम मेजर केन को देखते हैं, जो कि एक प्रोग्राम को ऑन करवा रहा होता, जिसकी वजह से एक हाइब्रिड ज़ॉम्बी जिसे केन नहीं बनाया था वो दोबारा से जिंदा हो जाता और इस हाइब्रिड ज़ॉम्बी को वेपन्स देने के लिए एक हेलीकॉप्टर सिटी में भिजवाया जाता। ओलिवर और उसके बाकी साथी हेलीकॉप्टर को वहां पर देख लेते और उस हेलीकॉप्टर से हेल्प मांगने लगते, लेकिन वो हेलीकॉप्टर दो संदूक वहां पर छोड़कर वहां से चला जाता। ओलिवर उन दोनों संदूकों को चेक करता है और वो संदूक हथियार के संदूक थे, लेकिन वो खाली। हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि सर्वाइवर था और खुद को सेव करने के लिए वो सोल्जर टीम के पास आ जाता और तभी वहां पर वो हाइब्रिड ज़ॉम्बी भी आ जाता है। सब लोग उसे शूट करने लगते हैं, लेकिन उस पर गोली का कोई भी असर नहीं हो रहा। अब क्योंकि इस हाइब्रिड ज़ॉम्बी को मेजर केन ने बनाया था, तो वो ही इसको कंट्रोल कर रहा था। मेजर केन हाइब्रिड ज़ॉम्बी की पावर को चेक करने के लिए उन सोल्जर टीम को खत्म करने का ऑर्डर दे देता और हाइब्रिड ज़ॉम्बी उन सोल्जर टीम को मारने में कामयाब हो जाता, लेकिन वो उस सर्वाइवर लड़के को नहीं मारता क्योंकि वो सोल्जर टीम का मेंबर नहीं था, वो एक आम आदमी था। उन्हें मारने के बाद हाइब्रिड ज़ॉम्बी वहां से चला जाता है और वो सर्वाइवर लड़का भी वहां से चला जाता है। एलिस जिल के फ्रेंड जो कि अब इन्फेक्टेड हो गया था, उसे मारना चाहती थी क्योंकि वो किसी भी वक्त ज़ॉम्बी बन सकता था। तब जिल एलिस को रोकते हुए कहती है कि तुम्हें मेरे फ्रेंड को मारने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा, यानी जब वो ज़ॉम्बी बन जाएगा मैं खुद ही उसे मार डालूंगी। तब ये चारों डॉक्टर की बेटी को सेव करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वहीं पर कुछ दूर एलिस को वो हाइब्रिड ज़ॉम्बी नजर आ जाता है और वो हाइब्रिड ज़ॉम्बी उन लोगों की तरफ ही आ रहा था। जिल का फ्रेंड अपनी गन निकालकर हाइब्रिड ज़ॉम्बी को मारने लगता है, लेकिन उल्टा वो हाइब्रिड ज़ॉम्बी ही जिल के फ्रेंड को मार डालता है और बाद में एलिस उस हाइब्रिड ज़ॉम्बी से फाइट करने लगती। उन दोनों की काफी फाइट होती है। अब क्योंकि एलिस जानती थी कि वो उस हाइब्रिड ज़ॉम्बी से ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसलिए वो खुद को सेव करके वहां से चली जाती। जिल और वो रिपोर्टर लड़की एक कार में बैठी होते हैं। जिल अपने फ्रेंड की मौत की वजह से काफी अपसेट होती है, लेकिन अचानक जिल का फ्रेंड ज़ॉम्बी बनकर दोबारा से जिंदा हो जाता है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन जिल उसे शूट करके उसे मार डालती। ओलिवर को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो भी अब इन्फेक्टेड हो गया।
गया था। उन लोगों को भी टी वायरस डॉक्टर की कॉल आती है और वो उन्हें भी अपनी बेटी को सेव करने का मिशन देते हैं। वो रिपोर्टर लड़की एक रूम में पहुंचती है जहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज बच्चे उस पर अटैक कर देते हैं और उसे खा लेते हैं। उस रिपोर्टर लड़की की आवाज सुनकर जिल वहां पर आती है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज बच्चे उसे खा चुके थे और वो वहां से चले भी गए थे। और तभी उस डॉक्टर की बेटी बाहर आती है और जिल को कहती है कि तुम्हारी फ्रेंड को वो ज़ॉम्बीज बच्चे खा चुके हैं और वो बच्चे यहाँ से चले गए हैं। इससे पहले कि वो वापिस यहाँ पर आए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिल और डॉक्टर की बेटी पर ज़ॉम्बीज डॉग अटैक कर देते हैं, लेकिन ऑलिवर का एक टीम मेंबर उन्हें बचा लेता है और वो अपने बारे में बताने ही लगता है कि तभी बाकी ज़ॉम्बीज डॉग उस पर अटैक करके उसे मार डालती है। और तब बिल्कुल ठीक वक्त पर एलिस वहाँ पर आकर जिल और डॉक्टर की बेटी को सेव कर लेती है। ऑलिवर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सब एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। एलिस को उस बच्ची के बैग में एंटीवायरस मिलता है। तब डॉक्टर की बेटी उन सबको बताती है कि मेरे फादर ने ये टी वायरस इसलिए बनाया था कि कहीं मैं भी उनकी तरह पैरालाइज ना रह जाऊं। और यहां पर हमें टी वायरस बनने का पर्पस पता चल जाता। वो बच्ची ठीक तो हो गई थी, लेकिन उसे बहुत ज्यादा मिकदार में एंटीवायरस की जरूरत थी। वो लोग डॉक्टर की बेटी को लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं और इसी दौरान एलिस ऑलिवर को भी वो एंटीवायरस देकर उसे सेव कर लेती है। एलिस टी वायरस डॉक्टर से कांटेक्ट करती है कि हमने तुम्हारी बेटी को बचा लिया है, अब हमें यहाँ से बाहर निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। वो डॉक्टर अपनी बात पर पूरा उतरते हुए उन्हें एक लोकेशन बताता है और कहता है कि वहां पर एक हेलीकॉप्टर है, तो तुम्हें जल्दी से उसमें चले जाना है कि इससे पहले कि तुम्हें कोई देख ले, और अगर तुम किसी की नजर में आए बगैर उस हेलीकॉप्टर में चले जाओगे तो तुम सेफ भी हो जाओ। जो कुछ भी डॉक्टर ने उन लोगों को बताया होता है, पीछे से मेजर केन वो सब सुन लेता है और मेजर केन डॉक्टर को पकड़ लेता है। वो बाकी सर्वाइवर्स हेलीकॉप्टर में बैठकर उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर डॉक्टर था, और वहां पर आकर वो देखते हैं कि अब तो वो डॉक्टर खुद फंस गए हैं। मेजर केन और उसकी मिलिट्री उन लोगों को भी पकड़ लेती। मेजर केन एलिस को कहता है कि तुम्हें उस हाइब्रिड ज़ॉम्बी से मुकाबला करना है। वो कहता है कि मैं जानना चाहता हूं कि तुम दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, लेकिन एलिस हाइब्रिड ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए इनकार कर देती, क्योंकि वो हाइब्रिड ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि मैट था, जो पिछले पार्ट का सर्वाइवर था और एलिस के साथ था, और एलिस की तरह उस पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उसे एक हाइब्रिड ज़ॉम्बी में तब्दील कर दिया गया। मेजर केन उस डॉक्टर को शूट करते हुए एलिस को बताता है कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी थे, लेकिन मैंने फिर भी उन्हें मार डाला, और तुम्हारे फ्रेंड्स मेरे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, तो मैं उन्हें भी मारने में देर नहीं लगाऊंगा, और अगर तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स को सेव करना है तो तुम्हें उस हाइब्रिड ज़ॉम्बी से लड़ना होगा। तब एलिस ना चाहते हुए भी उस हाइब्रिड ज़ॉम्बी यानी मैट से लड़ता। अब जैसा हाइब्रिड ज़ॉम्बी को कैन के टीम मेंबर्स चला रहे थे, वैसा ही वो चल रहा था, क्योंकि वो पूरी तरह उनके कंट्रोल में था। एलिस हाइब्रिड ज़ॉम्बी पर अटैक करती है और उसे काफी बार स्टैब करके उसे जख्मी कर देती है और उससे ये लड़ाई जीत जाती है। केन एलिस को इतना पावरफुल पाकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर एलिस उसे ऐसा करने से मना कर देती और वो उसकी बात नहीं मानती। तब एलिस उन लोगों को मरने के लिए वहां पर छोड़कर अपने हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगता है। अब क्योंकि मैड यानी वो हाइब्रिड ज़ॉम्बी अपने कंट्रोल में वापिस आ गया था, तो वो उस हेलीकॉप्टर पर बहुत सारी गोलियों से बारिश कर देता है, क्योंकि वो एलिस को बचाना चाहता था। हेलीकॉप्टर में वो सर्वाइवर लड़का केन को मारकर बेहोश कर देता है और हेलीकॉप्टर को अपने कंट्रोल में ले लेता है। बाहर सब सर्वाइवर्स खुद को आजाद करके उन लोगों से लड़ने लगते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा हेलीकॉप्टर्स एलिस को मारने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन मैट एलिस को बचाने के लिए खुद को ही सेक्रीफाइस कर देता है और वो मर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की तरफ से एक मिसाइल सिटी की तरफ फेंका गया है ताकि सिटी में जितने भी ज़ॉम्बीज हैं या इन्फेक्टेड है वो सब मर जाए थी। एलिस और उसके बाकी साथी हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और केन को वहां से बाहर निकाल देते हैं। थोड़ी देर में ज़ॉम्बीज वहां आकर मेजर केन को मार डालते हैं और वो हेलीकॉप्टर को लेकर वहां से चले जाते। तभी सिटी में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर अपना कंट्रोल खो देता है और क्रैश हो जाता है। अगले दिन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कुछ लोग क्रैश हेलीकॉप्टर को ढूंढते हैं और वहां पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ एलिस की ही डेड बॉडी मिलती है। एलिस को डॉक्टर आइजेक अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की लैब में लाता है और उसे टी वायरस देकर दोबारा से जिंदा कर लेता है। एलिस को यहां पर कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेमोरीज वापिस आने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेमोरी वापिस आती है और उसे सब कुछ याद आने लगता है। उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो वहां से बाहर आ जाती है। एलिस जो कि कंट्रोल रूम में होती है और सब सिक्योरिटी ऑफिसर्स को मारने लगती, क्योंकि अब एलिस पहले से कई
ज्यादा पावरफुल हो गई थी क्योंकि उसे डॉक्टर आइजक ने अपग्रेड कर दिया था। जब एलिस वहाँ से बाहर आती है तब उसके साथी जिनमें ओलिवर जिल और वो सर्वाइवर लड़का नकली सोल्जर बनकर उसे वहाँ से निकालने लगते हैं। वो वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं तब एक सिक्योरिटी ऑफिसर डॉक्टर आइजक से पूछता है कि क्या इन लोगों को जाने दिया जाए, और डॉक्टर आइजक उन्हें यहाँ से जाने के लिए अलाउ कर देता है क्योंकि अब से डॉक्टर आइजक एलिस पर कंप्लीट नजर रख रहा था। वो सब कुछ देखेगी भी, करेगी भी, और एक एक पल की रिपोर्ट वो डॉक्टर आइजक को भी देगी। और इसके साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।